आपने देख लिया, अब अपडेट आपको दे देते हैं कि अब इस पूरे मामले में आर्यन खान के मामले में बेल पर सुनवाई कल जारी रहेगी। आर्यन ड्रग्स केस में जमानत पर कल अब सुनवाई जारी रहेगी। आज की सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने अपनी बातें कह दी थी। मुकुल रोहतगी आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे की तरफ से दलीलें रख रहे थे, उसके बाद अब्बास मर्चेंट, मधु दमेचा, इन सबकी बात होनी थी उनके वकील की तरफ से, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि जमानत पर कल सुनवाई होगी। अब देखिए, दलीलें तो वही है और ज्यादा से ज्यादा उसमें सिर्फ सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके उसके बारे में बात किया हुआ है। आज वक्त इसलिए लगा क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट जो है वो काफी बोर्ड पे ऑलरेडी मैटर्स थे वहाँ पे, और फिर भी सही तरीके से जो है कोर्ट ने जितने भी मैटर जो पेंडिंग थे, कीबैक मैटर्स भी थे, वो पूरे एडजुडिकेट करके अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर आ गया है। अरबाज के पास तो ड्रग बरामद हुआ था लेकिन आर्यन के पास नहीं हुआ था, लेकिन जो धाराएं हैं वो सेम लगाई गई है, इसको लेकर जज की तरफ से क्या कहा गया? बिल्कुल, अभी जज के हिसाब से कुछ कहा नहीं गया हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पेश हुई है, अभी इसके ऊपर जज का बोलना भी बाकी है। नहीं नहीं नहीं, ये उनका ऐसा ऐसी बात नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट है। उनके वकीलों ने भी कोर्ट में यही बोला है कि वो दोनों दोस्त है। उद्या सेकंड हाफ ला मैटर ठेवला आहे आणि कंटिन्यूएशन मध्ये होणार आहे, कंटिन्यू होणार। सी द आर्ग्युमेंट्स आर डन ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज नंबर 1 अँड अक्यूज नंबर 2, हाफ आर्ग्युमेंट्स आर डन, द मैटर इज फर्दर केप्ट फॉर हियरिंग एट टुमारो 2:30 PM। कल बिल्कुल रखा गया है इसको। व्हाट वाज द बेसिक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू यू? सी द बेसिक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इज सिंपल, दैट देयर इज नो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज इफ